welcome back. I'm Vandana and we are learning English reader of class 2 by Brain Root series. And here's a book, Literary Journeys. Today we are going to start chapter number 14 and the name is Aladdin and the Magic Lamp. So yes, we are going to learn about Aladdin and some magic in this chapter. So let's start with the warming up. All of us like reading stories and poems. Sabko pasand hai na? Stories or poem padhna? What if you could actually be a character in a story you read? Aisa aapko kaisa lagega agar aap kisi story mein koi character ban jate hain? It is a story that has dialogues for each character. Ye jo ek story hai, isme dialogues hain har ek character ke. It can be performed before an audience. और ये जो स्टोरी है ऑडियंस के सामने की जा सकती है. सच स्टोरीज आर कॉल्ड प्लेज और ऐसी स्टोरीज को प्ले कहते हैं. यू कैन एक्ट एज अ कैरेक्टर इन सच अ प्ले. ऐसे प्लेज में आप कैरेक्टर बन सकते हैं. यू मे वियर अ कॉस्ट्यूम टू लुक मोर लाइक द कैरेक्टर. आप कॉस्ट्यूम पहन सकते हैं कैरेक्टर की तरह दिखने के लिए. सो यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं. पहला कैरेक्टर है अलादीन का, जो कि एक पुअर टेलर का सन है. एक पुअर टेलर कौन होता है? जो कपड़े सिलता है, तो उसका बेटा है. ज़रीना कौन है? अलादीन की मदर. विकेड विज़ार्ड, एक फॉल्स अंकल. जीनी ऑफ द लैम्प. तो इन चार लोगों की यहाँ पे कहानी है. देयर इज सीन वन. तो पहला सीन आता है. In the evening, Aladdin and his mother were eating a simple meal of dry bread and vegetable soup. अब evening का time था, शाम हो रखी थी और जो Aladdin थे वो अपनी मम्मी के साथ क्या कर रहे थे? खाना खा रहे थे जिसमें dry bread था और कुछ vegetable soup थे. Aladdin ने क्या बोला? Mother, I met my uncle in the street this morning. Aladdin ने बोला मम्मी से कि मम्मी मुझे अंकल मिले थे हमारी गली में. ज़रीना अलादीन की मम्मी ने बोला, सरप्राइज़, योर अंकल? डिड ही टेल यू हिज नेम? तुम्हारे अंकल, क्या उन्होंने अपना नाम बताया तुम्हें? तो अलादीन ने क्या कहा? ही सेड ही इज फादर्स ब्रदर. वो फादर के ब्रदर हैं, मीन्स मेरे चाचा हैं. ज़रीना ने क्या बोला? मुस्तफाज ब्रदर. व्हाट डिड ही से? समवन नॉक्स एट द डोर. व्हाट इज दैट नॉइस? Who is there? Aladdin, go and find out. तो अब जो है ज़रीना जो अलादीन की मम्मी थी उन्होंने कहा, मुस्तफ़ा का ब्रदर. मुस्तफ़ा कौन है? अलादीन के फादर, उसका भाई. क्या बोला उसने तुमसे? और अचानक से किसी के दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है. ये कैसी आवाज़ है? जाओ देखो ज़रा अलादीन, कौन है बाहर खड़ा? अलादीन goes and open the door. वो जाता है और ओपन करता है डोर को. Greetings uncle, mother, mother, come quickly. Uncle has come to see us. तो आप जो है वो अंकल घर तक आ चुके थे और अलादीन ने चिल्लाते हुए बोला, अंकल को नमस्ते बोला और फिर कहा कि मम्मी जल्दी आइए, अंकल हमसे मिलने आए हैं. अब वो जो विज़ार्ड था उसने क्या बोला? Greetings to you, Aladdin. Zarina comes to the door. Greetings to you, Zarina. तो अब जो है उस विज़ार्ड ने, उस अंकल ने अलादीन को और अलादीन की मम्मी दोनों को नमस्ते बोला. Zarina, why, who are you? Why do you know? How do you know my name? I don't know you. अब ज़रीना जो थी अलादीन की मम्मी, उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? हाउ डू यू नो माई नेम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तो नहीं जानती तुम्हें. अब विज़ार्ड ने क्या कहा? ज़रीना, डोंट यू रिमेंबर मी? आई एम योर डेड हस्बैंड्स ब्रदर. क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं तुम्हारे मरे हुए हस्बैंड का भाई हूँ. अब ज़रीना ने क्या बोला? मुस्तफाज ब्रदर, आफ्टर सो मैनी ईयर्स, प्लीज कम इन साइड, डू सिट. तो अब जो ज़रीना ने कहा कि अरे तुम मेरे हस्बैंड के ब्रदर हो, चलो अंदर आ जाओ, इतने सालों बाद तुम आए हो यहाँ पे, आओ अंदर बैठ जाओ. अब जो विज़ार्ड है वो अंदर जाता है. थैंक यू, पीस बी अपॉन यू, हो सक भगवान तुम पे कृपा करे. टू अलादीन, आई नीड योर हेल्प. आई एम एन ओल्ड मैन, टुमारो आई मस्ट टेक आउट द ट्रेजर विच आई हैव हिडन इन अ सीक्रेट प्लेस.
तब उस आदमी ने अलादीन से कहा कि अलादीन, मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत है, मैं क्या हूँ, अब बूढ़ा हो चुका हूँ और कल जो है मैं एक जगह पे मैंने खजाना छुपा के रखा था, वो एक खुफिया जगह है, सीक्रेट प्लेस है, तो तुम क्या हेल्प करोगे मेरी उस खजाने को वहाँ से निकालने में? विल यू कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ आओगे? आई विल मेक यू वेरी रिच इफ़ यू हेल्प मी, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे अलादीन तो मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। सो अलादीन ने कहा, ऑफ कोर्स अंकल, आई विल गेट योर ट्रेजर फॉर यू, मैं आपके लिए वो खजाना ज़रूर लेके आऊँगा। विज़ार्ड ने कहा, थैंक यू, वी विल लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, हम दोनों जो है जल्दी ही सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। अब अगला सीन आ गया, सीन टू, अलादीन एंड द विज़र्ड आर इन अ नैरो वैली, वो बहुत ही पतले से एक वैली में जा रहे हैं। द विज़र्ड लाइट्स अ फायर एंड थ्रोज अ मैजिक पाउडर इन इट, सो विज़र्ड ने क्या किया, एक लाइट जलाई और उसके ऊपर एक मैजिक पाउडर डाल दिया। द अर्थ शेक्स टेरिबली एंड द ग्राउंड ओपन्स, अब अचानक से धरती हिलने लग गई और जो जमीन है वो ओपन हो गई। There is a big square stone with a round brass ring on it. एक बड़ा सा स्क्वायर स्टोन था जिसके ऊपर एक राउंड ब्रास की रिंग लगा हुआ था। अलादीन इज एस्टोनिश्ड, ये सब देख के अलादीन एकदम से हैरान हो जाता है। विज़र्ड ने क्या बोला, अलादीन पुल अप द ब्रास रिंग, तुम इस रिंग को खींचना जरा। अलादीन ने कहा, यस अंकल। ही पुल्स द रिंग, द स्टोन मूव्स To one side, he sees a flight of stairs. और जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोला, उसने देखा उसके अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। Now the wizard says, now go down and look for an old lamp. नीचे जाओ और वहाँ जाके तुम्हें एक पुराना लैम्प मिलेगा, उसे ढूंढ के लाओ। Bring it to me, then take what you want from the cave. और जो भी तुम्हें चाहिए वहाँ से तुम ले सकते हो। अलादीन ने कहा, ओके अंकल, यस अंकल। He goes down and enters the enormous cave. तो वो नीचे जाता है उस केव में, उस बहुत ही बड़े से केव में। Aladdin, it is very dark inside, but what is that shining over there? अब अलादीन ने बोला, यहाँ तो बहुत अंधेरा है, लेकिन वो क्या चमक रहा है? He rubs his eyes, उसने अपनी आँखों को मल के देखा। Gold and jewels, हर जगह सोना चांदी भरा हुआ था। What shall I take with me? मैं अपने साथ क्या लेके जाऊँ? This box of jewels और these bags of golds, ये jewels लेके जाऊँ या ये gold लेके जाऊँ? क्या लेके जाऊँ? अब वो क्या ढूंढने लगता है? Where is the lamp? Lamp कहाँ है जो मैं लेने आया हूँ अंकल के लिए? Oh, there it is. I wonder why uncle wants this dirty old lamp. तो अब उसको जो है अंदर जाता है, वो अपने आप से बातें करता है सारी, और वो अब लैम्प ढूंढने लगता है। फिर उसने क्या देखा कि वहाँ उसे एक लैम्प मिलता है जो काफ़ी ज़्यादा डर्टी था, मीन्स गंदा था। वो सोचने लगता है, अरे अंकल को ये लैम्प क्यों चाहिए? अब विज़र्ड ने और बाहर से बोला, हरी अप, ब्रिंग मी द लैम्प क्विकली, जल्दी से वो लैम्प ला के मुझे दे दो। अलादीन ने क्या बोला, आई एम कमिंग अंकल, आई हैव द लैम्प, starts climbing up the stairs. I will give it to you, but first let me come out into the open air. Aladdin ne kaha, main aa raha hu uncle, main aapke liye lamp bhi la raha hu, seedhiyan chadh raha hu, lekin pehle mujhe bahar aane dijiye, tab main aapko lamp de dunga. So wizard ne kya bola, you wicked boy, give it to me at once or I will punish you, I will shut you up in the cave. So wizard ने कहा, I will punish you, I will shut you up in the cave. मैं तुम्हें इस cave में बंद कर दूंगा और तुम्हें punishment दूंगा अगर तुमने मुझे lamp नहीं दिया. Aladdin said, I won't give you the lamp. मैं आपको lamp नहीं दूंगा. Wizard अब गुस्सा आ गया उसे, उसने बोला, then stay in the cave. अच्छा तुम मुझे lamp नहीं दोगे, तो चलो एक काम करो, तुम इस cave में ही रहो। He throws some magic powder on the square stone and shouts a spell. अब उसने क्या किया, कुछ magic powder उस cave के ऊपर डाला और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। The stone moves and shut the cave. अब जो stone था वो move करने लगा और cave बंद हो गया। I cannot get the lamp myself. Someone has to get it for me.
इफ आई ट्राई टू गेट इट आई विल डाई। तो अब जो है उस विज़र्ड ने कहा मैं ये लैम्प खुद से नहीं ले सकता हूँ, किसी को मुझे ये देना पड़ेगा, और अगर मैं इसे खुद से लेने की कोशिश करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। अलादीन, आई कैंट गेट आउट, हेल्प हेल्प अंकल, वाई हैव यू शट मी इन, सॉबिंग। सो अब जो अलादीन था वो जो है अंदर ही था, वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, वो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। उसने बोला अपने अंकल से कि अंकल आपने मुझे यहाँ अंदर बंद क्यों किया है। ही वो सॉबिंग, सॉबिंग मीन्स क्राइंग। ओ व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँ, इफ आई लाइट दिस ऑयल लैम्प आई मे फाइंड माई वे आउट, आई विल क्लीन इट फर्स्ट। तो उसने कहा कि अच्छा अगर इस पुराने से लैम्प को मैं जला देता हूँ तो क्या हो सकता है, हो सकता है रोशनी हो जाए और मुझे अपना रास्ता दिख जाए। तो चलो एक काम करता हूँ, पहले से साफ कर देता हूँ। अलादीन टेक्स द लैम्प एंड रब्स इट ऑन हिज शर्ट। अब उसने लैम्प को लिया और अपने शर्ट पे रब करने लगा। अ जीनी अपीयर्स, और उसमें से निकला एक जीनी। जीनी ने क्या बोला, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लैम्प, मैं इस लैम्प का सर्वेंट हूँ। My home is in the lamp. मेरा जो घर है वो lamp के अंदर है। And the man who owns the lamp owns me. और जिसके पास ये lamp है वो मेरा मालिक है। What are your wishes? आपके क्या wishes हैं? अब जीनी ने सारी बातें अलादीन से बोली। अलादीन ने क्या बोला, Am I dreaming? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? Pinches himself. उसने अपने आप को जो है पिंच किया। Ouch! I am awake. मैं सच में जो है सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं खुली आंखों से जीनी को देख रहा हूँ। दिस इज अ मैजिक, ये तो मैजिक हो गया। जीनी, कैन यू टेक मी होम अलॉन्ग विद दीज ज्वेल्स, क्या तुम मुझे घर लेके जा सकते हो इन सारे हीरे जवाहरातों के साथ? सो जीनी ने बोला सर्टेनली मास्टर, अवे वी गो। तो जीनी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको आपके घर ले जा सकता हूँ। और अचानक से क्या हुआ, वो उसे अपने घर ले जाता है। अब अलादीन मोमेंट लेटर, ओ आई एम बैक इन माई हाउस अगेन, जीनी थैंक यू, यू सेव माई लाइफ। अब अलादीन ने उस जीनी को थैंक यू बोला कि मैं तो अपने घर वापस आ गया हूँ और थैंक यू तुमने मेरी लाइफ बचाई। अब जरीना, जरीना ने क्या बोला, अलादीन अलादीन व्हाट हैपेंड, ही टेल्स हिज मदर द होल स्टोरी। तो जरीना को अलादीन ने सारी स्टोरी बताई क्या क्या उसके साथ हुआ था। अब जरीना ने क्या बोला, दैट वॉज नॉट योर अंकल, वो तुम्हारे अंकल नहीं थे, ही वॉज अ विकेड विज़र्ड, वो एक क्या था, एक विकेड विज़र्ड था, मीन्स वो बहुत ही ज्यादा चालाक एक राक्षस था। रिमेंबर वन थिंग, नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स एंड टेल देम वेयर यू लिव, कभी भी किसी स्ट्रेंजर से बात मत करो और ये मत बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। अलादीन, यस मदर आई विल रिमेंबर दैट, अब मैं इस बात को याद रखूंगा। अलादीन बिकेम वेरी रिच विद द हेल्प ऑफ द जीनी, जीनी की मदद से अब वो क्या बन चुका था, रिच बन चुका था। ही एंड हिज मदर लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और इसके बाद वो और उसकी मम्मी दोनों ही बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। सो दिस वॉज अ स्टोरी चिल्ड्रेन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी। सो हियर द फर्स्ट वर्ड इज विज़र्ड। सो विज़र्ड इज अ मैन हु इज बिलीव टू हैव मैजिक पावर्स, ऐसा इंसान, ऐसा एक राक्षस जिसके पास मैजिकल पावर्स होते हैं। टेरिबली मीन्स इन अ वे विच इज वेरी अनप्लीजेंट एंड मेक्स यू अफ्रेड, मीन्स एक बहुत ही बुरा तरीका। सीक्रेट Hideous, astonished, very surprised, surprise होना, enormous means extremely large or huge, बहुत बड़ा होना। Spell means words that are believed to have magical power, ऐसे मंत्र जिनमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें magical power होती है। And of course means certainly, एकदम से, अचानक। So let's move on to the book exercise children, you're the first comprehension exercises, a exercise which is multiple choice questions. The first one is what is the relation of Zarina with Aladdin? So Zarina Aladdin ke beech mein kya relation tha, Zarina Aladdin ki kya thi, sister thi, daughter thi, mother ya fir cousin?
So the correct answer is mother. What were Aladdin and his mother eating? Aladdin और उसकी मम्मी क्या खा रहे थे? Dry bread खा रहे थे, vegetable soup पी रहे थे, कुछ भी नहीं खा रहे थे या दोनों A और B खा रहे थे? तो अलादीन और उसकी मम्मी ड्राई ब्रेड भी खा रहे थे, वेजिटेबल सूप भी पी रहे थे. सो डी आंसर इज अ करेक्ट आंसर. अलादीन एंड द डैश आर इन अ नैरो वैली. अलादीन के साथ कौन था नैरो वैली में? जरीना, जीनी, विजर्ड और विच. सो इट वॉज द विजर्ड. सिमिलरली चिल्ड्रन, यू हैव टू डू दिस फोर्थ क्वेश्चन योर सेल्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बी पार्ट विच इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. So the first question over here is a wicked dash meets Aladdin and says I am your dash. तो एक wicked wizard मिलता है Aladdin से, उससे कहता है मैं तुम्हारा uncle हूँ. So first here it will come wizard and then uncle. Now the second one, we will leave early in the morning. हम जल्दी सुबह सुबह निकल जाएंगे. Like this, you have to do the rest two questions, children. Now let's move on to C exercise, which is right, true or false for the following sentences. Here the first one is, Aladdin met the uncle in the evening. Aladdin अपने uncle से evening में मिला था. So what you have to do? You have to fill it yourself. Now Aladdin and Zarina were in a narrow valley. This is false. So who were in the valley? Aladdin and the wizard. The wizard was wicked. Yes, it's true. And similarly, you have to do this one also. It's also your homework. So complete question number 1 and 4 yourself. Now children, let's move on to D exercise, which is answer the following questions. Name all the characters of the स्टोरी. कौन कौन से कैरेक्टर्स थे इस स्टोरी में? तो सबसे पहला था अलादीन, नाउ जरीना, नाउ विजर्ड एंड जीनी. व्हाट वर अलादीन एंड हिज मदर ईटिंग इन द इवनिंग? सो दे वर ईटिंग dry bread and vegetable soup. Similarly children, do question 3 and 4 yourself. And children, with this the chapter is over. I hope it's clear to you. You may have learned a lesson here that we should not talk to strangers and never tell about their home. And with this, we are concluding the chapter. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.